नमस्कार, मैं मोहन दुबे, VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। कोयला घोटाले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का परिवार घिरता नजर आ रहा है। रविवार को ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचकर सीबीआई ने उनकी पत्नी रुजिरा को नोटिस दिया था। अब रुजिरा की बहन मेनका गंभीर को भी समन जारी किया गया है। मेनका से आज सीबीआई पूछताछ कर सकती है। अभिषेक ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि दोपहर 2 बजे सीबीआई ने मेरी पत्नी के नाम का नोटिस दिया। हमें कानून पर पूरा भरोसा है। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि इस तरह से वे हमें डराने में कामयाब हो जाएंगे तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। हम उनमें से नहीं जिन्हें झुकाया जा सके। देश में कोरोना वायरस ने फिर से जोर पकड़ा है। 91 जिलों में मरीज मिलने की रफ्तार बढ़ी है। इनमें से 34 जिले महाराष्ट्र के ही हैं। इसके अलावा कर्नाटक के 16, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, गुजरात और बिहार के 4-4 जिले, जबकि केरल के 2 जिले शामिल हैं। यहां बीते कुछ दिनों से रोजाना संक्रमितों की संख्या ठीक होने वाले मरीजों से ज्यादा है। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में फिर से लॉकडाउन लगाया गया है तो कई शहरों में नियमों का पालन करने के लिए आह्वान कर शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार आज अपना विधानसभा में पूर्ण बजट पेश कर रही है, जो केंद्र सरकार की तर्ज पर पेपरलेस है। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम और एक रिकॉर्ड जुड़ गया है। वे बीजेपी सरकार के पहले ऐसे सीएम बने हैं जिनकी देखरेख में 5वीं बार बजट पेश किया गया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकारों में विभिन्न समय पर 5 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कल्याण सिंह 2 बार मुख्यमंत्री रहे तो राम प्रकाश गुप्त और राजनाथ सिंह 1-1 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। योगी आदित्यनाथ 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री बने थे और अभी भी अपने पद पर कायम हैं। राधा कृष्ण की प्रेम लीला स्थली वृंदावन में वैष्णव महाकुंभ में आस्था व जप तप जारी है। पहला शाही स्नान माघ पूर्णिमा पर 27 फरवरी को होगा। करीब 56 हेक्टेयर एरिया में महाकुंभ के लिए नया शहर बसा है। 40 दिन तक चलने वाले महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। इस बीच सूरज की तलखी के बीच अपने चारों तरफ अग्नि जलाकर कठिन साधना करते हठ योगी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा क्षेत्र में केंद्रीय बजट प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वेबिनार को संबोधित किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अपने इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और तेजस की क्षमताओं पर भरोसा किया और आज तेजस शान से आसमान में उड़ान भर रहा है। कुछ सप्ताह पहले ही तेजस के लिए 48,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया गया है। पुदुचेरी की कांग्रेस नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार सोमवार को गिर गई। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान वी नारायण सामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस डीएमके सरकार अपना बहुमत साबित नहीं कर पाई। कांग्रेस और डीएमके विधायकों के वॉकआउट के बाद स्पीकर ने ऐलान किया कि सरकार सदन में विश्वास मत साबित कर पाने में विफल रही। बता दें कि पुदुचेरी की उपराज्यपाल तमिलिसाई साउंडराजन ने मुख्यमंत्री से विधानसभा में अपनी सरकार का बहुमत साबित करने को कहा था। बिहार विधानमंडल की कार्यवाही शुरू हो गई है। विधानसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मैट्रिक परीक्षा में पेपर लीक का मामला उठाया। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी को लेकर भी सवाल किया। इस दौरान विपक्ष के अन्य विधायक बेल के पास आकर हंगामा करने लगे। विपक्ष ने कार्य स्थगन प्रस्ताव भी लाया। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ट्रैक्टर से विधानसभा के पास पहुंचे, लेकिन ट्रैक्टर को अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली है। इसके बाद कुछ दूर पैदल चलने के बाद तेजस्वी यादव अपनी गाड़ी से विधानमंडल परिसर में पहुंचे। प्यार में नाकाम सुमित जाधव नाम के लड़के ने 21 साल के दोस्त को चलती ट्रेन से नीचे ढकेलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम होने पर वो भाग निकला। हालांकि थोड़ी देर बाद रेलवे पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। घटना मुंबई के खार रेलवे स्टेशन की है। पूरा घटनाक्रम स्टेशन प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। जानकारी के मुताबिक लड़का और लड़की दोनों एक कंपनी में काम करते थे। दोनों एक दूसरे को 2 साल से जानते थे। कुछ दिनों तक मिलने जुलने के बाद लड़के ने लड़की के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। इसी बीच लड़की को जानकारी मिली कि लड़का शराब पीता है। फिर लड़की ने लड़के से दूरी बना ली और शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। पुणे, पिंपरी चिंचोर शहर सहित पूरे जिले में 11 से 6 नाइट कर्फ्यू की घोषणा हो चुकी है। साथ ही 28 फरवरी तक सभी स्कूल कॉलेजों को बंद करने का निर्णय भी लिया गया है। पुणे जिले में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए आज पुणे जिला प्रशासन ने ऐसा कठोर कदम उठाया है। ऐसी जानकारी आज पुणे के विभागीय आयुक्त सौरभ राव ने दी है। पुणे के पालक मंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और कोरोना के कारण
पुणे निवासियों पर फिर से कुछ प्रतिबंध लगाए गए। पुणे में रात 11 बजे के बाद बाहर जाने पर प्रतिबंध है। स्कूल और कॉलेज 28 फरवरी तक बंद रहेंगे। पिछले कुछ दिनों से पुणे शहर और जिले में कोरोना रोगियों की संख्या बढ़ रही है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने एक बैठक बुलाई थी। राजनीतिक कार्यक्रमों को आयोजित करने और विवाह समारोह में 200 नागरिक शामिल होने के लिए पुलिस की अनुमति लेना बंधन कारक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं। धेमाजी के शिला पाथर में पीएम मोदी ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं देश को समर्पित की और कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, इन सारे प्रोजेक्ट से असम और नॉर्थ ईस्ट में लोगों का जीवन आसान होगा और नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र पर काम कर रही है।